आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखेंगे। लिमिट्स हमने देखा, आज हम देखेंगे अगर लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्री मिल जाता है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स की लिमिट ज़ीरो होगी तो साइन एक्स जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस एक्स होता है वन। ये तो दो बेसिक रूल्स हैं। इसके बाद फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स ये होता है वन। फिर नेक्स्ट इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो टेन एक्स अपॉन एक्स ये भी होता है वन। फिर नेक्स्ट ये तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हो गए जहाँ पे x की लिमिट जो है ज़ीरो है। अगर x की लिमिट ज़ीरो ना हो, जैसे हमें बोला है लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू k साइन ऑफ x माइनस k एंड x माइनस k। अब यहाँ पे देखने वाली बात है x की वैल्यू x कहाँ पे पहुँच रहा है, अप्रोच कर रहा है k पे, और मैंने x माइनस k कर दिया। एज x अप्रोचेस k मतलब जब x k पे पहुँच जाएगा तो k माइनस k यहाँ ज़ीरो, बेसिकली है साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, यही वाला फॉर्मेट आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको वन लिखेंगे। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू k टैन x माइनस k और नीचे x माइनस k दिस मस्ट बी इक्वल टू वन। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अब ये फॉर्मूलेज हमें जो है दिमाग में रखने हैं। हमेशा साइन एक्स के नीचे एक्स आ जाए तो वन होता है, टेन एक्स के नीचे एक्स आ जाए तो वन होता है, लिमिट इनकी ज़ीरो होनी चाहिए। और अगर मैं साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बनाता हूँ लिमिट में मैं उसको वन लिखता हूँ, टेन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो बनाता हूँ लिमिट में मैं उसको वन लिखता हूँ। क्योंकि एक्स माइनस के अप्रोचेस ज़ीरो तो टेन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का फॉर्मेट बन गया, तो फिर ये जो है वन हो जाएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स। यहाँ पे मुझे एक बात ध्यान रखना है, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है वन, ये मेरा फॉर्मूला है। यहाँ पे ये जो एक्स है और ये जो एक्स है ये दोनों मैच कर रहे हैं। मैं ये फॉर्मूला इक्वल्स टू वन तब तक नहीं लगा सकता जब तक ये एक्स और ये एक्स मैच नहीं करते हैं। अगर ये मैच करते हैं तो मैं इसको वन लिखूँगा। हाँ ये डिफरेंट है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ द ओवरऑल रिजल्ट मस्ट बी ज़ीरो। मतलब अभी मैं इसमें समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये टू एक्स है तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ज़ीरो दिया हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है अगर एक्स ज़ीरो बनता है तो टू एक्स भी तो ज़ीरो बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन दीज टू वैल्यूज आर मैचिंग मैं इसको वन लिखूंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स। अगेन यहाँ पे थ्री एक्स और थ्री एक्स मैच कर रहा है, और ये x को अगर मैं थ्री एक्स बनाता हूँ तो भी ये ज़ीरो ही रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस लिमिट को मैं लिखूँगा वन। मान लीजिए यहाँ पे हमें एक सिचुएशन ऐसी मिलती, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन सेवन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे सेवन मिल रहा है लेकिन यहाँ पे एक्स मिल रहा है, मैं इसको वन नहीं लिख सकता, मैं दिस इज इक्वल टू वन नहीं लिख सकता हूँ। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मैं सबसे पहला मेरा एम होगा कि यहाँ पे जो एंगल है साइन के साथ उसको मैं एग्जैक्टली इसको ये जो डिनोमिनेटर है इसको इसके जैसा बना लूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो
साइन 7x. अब क्योंकि यहाँ पे 7x है, मुझे नीचे चाहिए 7x, बट मेरे पास सिर्फ x है, मुझे एक 7 की ज़रूरत है. तो मैं क्या करूँगा, 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा. अब ये 7 मैंने अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मुझे एक 7 यहाँ भी लगाना पड़ेगा. 7 कैंसिल, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ. अब जब मैं इतने पोर्शन में फॉर्मूला लगाऊंगा, ये 1 हो जाएगा और बाहर जो 7 बच गया, हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 7. एक बार फिर देखते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो साइन का एंगल है वो एग्जैक्टली मुझे नीचे एज इट इज़ मिलना चाहिए, तभी मैं इस लिमिट को 1 लिखूँगा. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, ये जो एक्स एंगल है ये डिग्रीज में मेजर नहीं किया हुआ, ये रेडियंस में मेजर किया हुआ है. ये भी बहुत हमें ध्यान रखना है कि एक्स इज़ इन रेडियंस एंड नॉट डिग्रीज. मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल दिया है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 3x. ये हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है. कंडीशन सिर्फ इतनी है, x की लिमिट 0 है तो 5x कोई भी वैल्यू है वो 0 बनेगा ही बनेगा. अगर x 0 है 5x तो 0 बनेगा ही. तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, 5x अगर x 0 बन रहा है तो 5x 0 बनेगा. अब मेरा एम है कि मैं इस 5x को नीचे लेके आऊँ, लेकिन मुझे दिया हुआ है 3x, तो 3x लेकिन मुझे चाहिए 5x. यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं कि हाँ 5x बनाना है ना, यहाँ पे 2x लिख देते हैं, लेकिन ये मेथड गलत है. आपने प्लस 2x किया तो आपको माइनस 2x करना पड़ेगा, इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वापस 3 बचेगा. आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. आपको यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन, मेरे पास 3x पहले से था, क्वेश्चन में 3x पहले से था, मैं इस x को ले लेता हूँ, 3 को यहाँ अलग से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है. अब इस x के साथ मुझे अगर 5 मिल जाए तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ. अब क्योंकि ये 5 मैंने अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है, मुझे यहाँ पे एक इंटू 5 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट 5 and 5 गेट्स कैंसल, आई एम नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन. अब इतने पोर्शन में हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 5/3. इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं. अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन x अपॉन x इज 1, तो ये हो गया 1 × 5/3, एंड दैट इज माई आंसर. ये हो गया. इसमें फिर एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ. मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx. हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही रूल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ax है, मुझे नीचे ax चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिमिट लिखूंगा, x टेंड्स टू 0 लिखूंगा, साइन ax लिखूंगा. मुझे नीचे एग्जैक्टली ax चाहिए फॉर्मूला लगाने के लिए. तो मेरे पास x तो ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ एक a की जरूरत है. x ऑलरेडी है, सिर्फ एक a की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे एक a लगा दिया. अब क्योंकि ये a मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, मुझे मल्टीप्लाइड बाय ए इधर लिखना पड़ेगा. अब ये बी कहाँ गया, इस बी को मैं अलग से डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ. इतने पोर्शन में मैं लिमिट लगा लूँगा, ये 1 बन जाएगा, बाकी बच गया मेरे पास ए अपॉन बी. सो माई आंसर इज ए अपॉन बी. ठीक है ना. तो ये हमने अभी कुछ बेसिक लिमिट्स देखे. द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर टैन. मुझे टैन अगर मिलता साइन के जगह, तो मैं टैन में भी एग्जैक्टली यही काम करता. सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 टैन 11x अपॉन 6x, ये मुझे दिया हुआ है. क्या करूँगा, मुझे मालूम है लिमिट
x tends to 0, tan x अपॉन x होता है 1, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी देखो ये x क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तो यहाँ पे ये 11x है तो मुझे एग्जैक्टली 11x चाहिए, तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 11x अपॉन x, मेरे पास पहले से है, इस 6 को मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 11 लगा लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 लगाया है, मुझे यहाँ पे एक और 11 लगाना पड़ेगा। अब इतने पोर्शन में हम फॉर्मूला लगा लेंगे, tan x अपॉन x 1 होता है, ये हो गया 1 इंटू 11 अपॉन 6 विच गिव्स मी 11/6 एंड दैट इज माई आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक, अब हम आगे देखेंगे और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें और हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब इसी में ये तो हमने बहुत बेसिक सा देखा कि हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन साइन 6x। इस क्वेश्चन में साइन x अपॉन x, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1। अब फॉर्मूला ये है, मुझे साइन x के नीचे क्या चाहिए, x चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिला, साइन मिला, तो इसमें मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सबसे पहले x से डिवाइड कर लूँगा, क्योंकि मुझे नीचे पहली चीज़ चाहिए x, तो ये हो जाएगा साइन 5x अपॉन x होल डिवाइडेड बाय साइन 6x अपॉन x, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि अंडरस्टूड है, हम अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू वट एवर एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको हम अलग अलग, यानी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, अलग अलग एवेल्युएट कर सकते हैं। डिविजन अगर हमें दिया हुआ है, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको अलग अलग एवेल्युएट, यानी लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, ऐसे अलग अलग एवेल्युएट कर सकता हूँ। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और इसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोनों लिमिट्स में मैं अलग अलग फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जो अभी हमने ये दो रूल्स समझे हैं इसके बेसिस पे। अब यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ और यहाँ पे इंटू 5 कर देता हूँ, यहाँ पे इंटू 6 कर देता हूँ और यहाँ पे इंटू 6 कर देता हूँ। मैं दोनों में अलग अलग लिमिट लिख सकता हूँ, अब चाहे तो यहाँ पे अब इन दोनों को 1 इंटू 5 एंड 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, विच इज़ 5 अपॉन 6, और एल्स अगर इसको और भी ज़्यादा स्टेप वाइज करना है तो आप क्या करोगे, ऊपर लिमिट लिख लोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x, और यहाँ पे 5 आ गया, नीचे लिख लूँगा 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 6x, फिर लिमिट हम जब ले लेंगे हो जाएगा 5 इंटू 1 एंड 6 इंटू 1। तो हम ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इवेल्युएट भी कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन करना है, देन ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एमसीक्यू है या आपको नॉट एग्जैक्टली एमसीक्यू में तो और जल्दी करना होगा, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं बोल सकता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया साइन 5x अपॉन 6x। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिलता है, मान लीजिए साइन स्क्वायर 5x अपॉन x स्क्वायर मिलता, तो हम क्या करते, यहाँ पे मुझे
वही काम करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे स्क्वायर है, देखो a अपॉन b, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको मैं a अपॉन b होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं इनके स्क्वायर्स को कॉमन ले लेता हूँ, एक साथ लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा इसमें, इसको मैं लिख लूँगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन 5x अपॉन, इस x के साथ मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं 5 लिख लूँगा, x लिख लूँगा, यहाँ पे 5 लिख लूँगा, होल स्क्वायर लिख दूँगा। अब जब हम लिमिट लगाएंगे, इतना पोर्शन तो 1 बन जाएगा बाय द फॉर्मूला साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1, लेकिन इतना पोर्शन ये 5 ही रहेगा। अब इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, तो मेरा आंसर मुझे 25 मिलेगा। इसमें फिर कभी कभी क्या करते हैं, वो वैल्यूज नंबर्स के बजाय कुछ ए बी सी डी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि हाँ ये ए बी सी डी आ गया कैसे करेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं है, दोबारा वही प्रोसेस करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, हम यहाँ पे स्क्वायर्स इकट्ठा ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन ए एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, मुझे इस एक्स के साथ ए चाहिए, तो मैं लिख लूँगा साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस किया है, मुझे यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे होल स्क्वायर कर दूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिख दूंगा। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा, इतना पोर्शन 1 इंटू ए होल स्क्वायर एंड माई आंसर इज ए स्क्वायर। इसमें फिर एक और वेरिएंट क्वेश्चन का आ सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ, आपको साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स मिल सकता है, तो सिंपल है, अगेन मैं वही प्रोसेस करूँगा कि मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, स्क्वायर्स को कॉमन ले लूँगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स एंड साइन बी एक्स, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये क्या है, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वही बन गया, मुझे क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर एक फ्रैक्शन a अपॉन b है, मैं इसके न्यूमरेटर को एक नंबर और डिनोमिनेटर को भी एक ही नंबर से डिवाइड करूं, तो ये फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन ए एक्स अपॉन एक्स, नीचे आ जाएगा साइन बी एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो। अब मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे x के साथ मुझे a चाहिए, तो मैं यहाँ a लिखूँगा, यहाँ पे a लिखूँगा, यहाँ पे b लिखूँगा, यहाँ पे b लिखूँगा। अब किया क्या मैंने, जब लिमिट लिया तो ये पोर्शन मेरा 1 बन गया, साथ में a आ गया, ये पोर्शन मेरा 1 बन गया क्योंकि साइन x अपॉन x के फॉर्म में आ गया ये, और आगे मेरे को मिल गया b, सो दिस इज a अपॉन b और होल स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, सो माई आंसर इज ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला हम कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए, देखो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, 2 का हाफ होता है 1, उसका हाफ एंगल यहाँ पे है, 2x है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x होता तो मुझे यहाँ पे 2 मिलता एज इट इज, साइन स्क्वायर मिलता एज इट इज। अब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, जो भी एंगल है उसका हाफ, 4x का हाफ 2x। मान लीजिए मुझे 1 माइनस कॉस 6x मिलता है, मैं 2 एज इट इज लिखूंगा, साइन स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, एंगल में मैं इस 6x को हाफ कर दूंगा विच इज
थ्री एक्स। मान लीजिए मुझे 1 माइनस कॉस 7x मिलता है, क्या करूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, जो भी एंगल है डिवाइडेड बाय 2, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। मान लीजिए मुझे 1 माइनस कॉस 3x मिलता है, इसको मैं लिख लूंगा 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल मिलता है उसको मैं हाफ कर दूंगा। इसी तरीके से देखो, ये तो हमारा एकदम जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये हो गया। एक फॉर्मूला और है जो, ये तो उसका कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला और है जो इसी पे बेस्ड है, वो है 1 माइनस कॉस एक्स। तो रूल हम वही लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। तो ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, हालांकि ये सारे जो है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ये हमें याद रखना है, इसका बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना है यहाँ पे। फिर अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई होगा, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मुझे एवेल्युएट करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा लूँगा यहाँ पे। पहले तो मैं लिखूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, इस 1 माइनस कॉस 2x को मैं सिंप्लीफाई जब करूँगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। रीज़न ये है कि देखो, कॉस लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस होता है 1 माइनस 1 ज़ीरो। अगर मैं डायरेक्टली लिमिट पुट करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉस एक्स को डायरेक्टली ज़ीरो डाल दिया, तो ये 1 माइनस कॉस, जब लिमिट ज़ीरो होता है कॉस बन जाता है 1, और नीचे मेरे पास ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो का फॉर्म आ गया। जब भी मुझे डिनोमिनेटर में ज़ीरो मिलता है, मेरा एम होता है मैं नीचे से ज़ीरो को हटाऊँ। मोर ओवर ट्रिग्नोमेट्री में कॉस अकेला हो, उसके नीचे एक्स हो, तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ। तो मैंने इसको साइन में कन्वर्ट किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, इस 2 को मैंने बाहर लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अब जब लिमिट लेंगे, इसमें तो फॉर्मूला लग गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, साथ में बच गया 2, 2 वन ज़ा 2, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मिल सकता है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे 2x था, तो हम 1 माइनस कॉस एक्स में भी फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखना था मुझे, एक्स स्क्वायर मिला है सपोज। हालांकि x में भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको थोड़ी देर में समझेंगे। अब इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि ये 2 फॉर एवर, 2 एक कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट जो है हम बाहर लिखें अंदर लिखें, लिमिट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि इस 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। मैं तब तक लिमिट नहीं लगा सकता जब तक ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं करते। यहाँ पे x के नीचे 2 है, मुझे यहाँ x के नीचे 2 चाहिए, तो मैं दोबारा वही करूँगा, 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं लिख लूँगा साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे 2 यानी 1 अपॉन 2 लगाया है, देखो x के नीचे 2 लगाया मतलब बेसिकली 1 अपॉन 2 यहाँ पे लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो
तो मुझे यहाँ पे भी हाफ लगाना पड़ेगा और स्क्वायर के अंदर ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये जो हाफ है मैं स्क्वायर के अंदर एक्स के साथ, एक का है स्क्वायर के अंदर है, तो मैंने ये हाफ अगर स्क्वायर के अंदर लगाया तो मुझे जो उसका करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हाफ है उसको भी स्क्वायर के अंदर लगाना है, बाहर नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये टू टू कैंसिल, मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैंने बाहर लगा दिया तो आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन। अब जब हम लिमिट लगाएंगे इतना पोर्शन मेरा वन हो जाएगा, वन बाय टू का स्क्वायर बचेगा, वन इंटू वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन बाय टू होल स्क्वायर, और बाहर ये टू बच गया, ये हो गया टू इंटू वन बाय टू का स्क्वायर इज वन बाय फोर, दैट इज वन बाय टू, दिस इज माई आंसर। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे अभी, आगे हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन बोला था, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब हम इसको देखते हैं ये क्या बनेगा, हमने एक्स स्क्वायर को तो देख लिया, इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो सब ऐसा लगेगा हम बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले बार बार एक ही लग रहा है, मैंने कोई नया फॉर्मूला लग नहीं रहा है। वन माइनस कॉस जो है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू बनेगा, नीचे एक्स है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं लिख लूँगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, हम इस साइन टू को सबसे पहले तो मैं बाहर लिख लूँगा, साइन एक्स बाय टू के नीचे एक्स बाय और साइन एक्स बाय टू अलग से, स्क्वायर है तो मैं इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, एक को तो एक्स मिल गया एक को एक्स नहीं मिला। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपॉन टू लगाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे वन अपॉन टू लगाया है, मुझे यहाँ पे वन अपॉन टू, देखो वन अपॉन टू मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखो बीच में लिखो कोई इतना मैटर नहीं करता, तो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। अब जब हम लिमिट लेंगे ये पोर्शन तो हमारा वन बन गया, ये कैंसिल होके वन बन गया, लेकिन इसके नीचे एक्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स की लिमिट जीरो है तो साइन जीरो जीरो बन जाएगा, तो ये आंसर हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे इसमें हमें और कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मान लीजिए आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह ये फॉर्मूला लगाना पड़ जाए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन वन माइनस कॉस सिक्स एक्स, ये दिया हुआ है, हम ऊपर नीचे दोनों जगह फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस फोर एक्स को मैं टू साइन स्क्वायर, फॉर्मूला ध्यान है, वन माइनस कॉस टू एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, ये एंगल यहाँ पे हाफ हो जाएगा, तो फोर एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि टू, वन माइनस कॉस सिक्स एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स, टू एंड टू कैट्स कैंसल्ड, हमको मिल गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, स्क्वायर्स को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स, ये हमारा अब वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया जिसमें मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड करना है, फिर टू इंट्रोड्यूस करना है, थ्री इंट्रोड्यूस करना है, तो बेसिकली ये टू अपॉन थ्री होल स्क्वायर बचेगा मेरे पास, विच इज नथिंग बट फोर अपॉन नाइन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे आपको हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमें फोर के बजाय कुछ ऐसी वैल्यू दे दें, नंबर के बजाय हमें m और n दे दिया, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो भी एंगल होता है रूल है उसका हाफ, यानी यहाँ पे m x अपॉन टू आ गया, यहाँ पे n x अपॉन टू आ गया, तो इस होल स्क्वायर में यहाँ पे एम एक्स अपॉन टू आ जाएगा और यहाँ पे एन एक्स अपॉन टू आ जाएगा,
मुझे m अपॉन n का हाफ नीचे ऊपर लगाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? बेसिकली m अपॉन 2 अपॉन n अपॉन 2 होल स्क्वायर, 2 एंड 2 गेट्स कैंसल, मेरे को m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर मिलेगा. सो दैट इज माय आंसर. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, 1 माइनस कॉस एक्स वाला, ये फॉर्मूला तो यहाँ लग ही नहीं रहा है. मोर ओवर इसमें टैन है. अच्छा, मैं अगर इसको स्प्लिट कर दूँ, टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब मिलता है और साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब मिलता है, इससे भी मेरा काम नहीं बन रहा है. अब क्या किया जाए? तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे. यहाँ पे इस टैन को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हमने इक्वल टू लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स. ब्रैकेट में मेरे पास देखो, यहाँ से मैंने साइन को ले लिया, क्या बचा? वन. और नीचे बच गया कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन. मैंने साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? वन. और नीचे मेरे पास बच गया एक्स क्यूब. इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये कॉस एक्स यहाँ इंटू हो जाएगा, मेरे पास वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा और होल अपॉन एक्स क्यूब बचेगा मेरे पास. इसके आगे सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ. देखो, मेरे को मालूम है ए अपॉन बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ए अपॉन बी एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय सी है तो मैं ए अपॉन बी सी लिखूंगा, लेकिन अगर एक नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन होता तो फिर ये ए सी अपॉन बी बनता. नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नंबर, डिनोमिनेटर नीचे जाएगा. तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है यहाँ पे. तो ये नंबर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, नीचे मेरे पास कॉस एक्स बच गया और साथ में एक्स क्यूब यहाँ पे आ गया. मैंने लिख लिया लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो. इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू जीरो. इस साइन x, क्योंकि x की लिमिट जीरो है, साइन x के नीचे मुझे एक x चाहिए, तो मैं इसको साइन x लिख लूंगा. इस x क्यूब में से एक x तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, इंटू इस वन माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर x बाई टू. पीछे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगी. बेसिकली पीछे हमने जितने भी रूल्स फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो सारे के सारे अप्लाई करने होंगे. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सारे फॉर्मूलेज एक साथ अप्लाई करूँगा, तो वन माइनस कॉस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर x बाई टू. इसको एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने एक्स स्क्वायर दे दिया, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन हो गया, ये एक्स क्यूब का नीचे पूरा सॉल्व हो गया, मतलब नीचे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वन माइनस कॉस हो गया. अब बच रहा है मेरे पास कॉस डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको वन अपॉन कॉस एक्स ऐसे लिख सकता हूँ. यहाँ पे हम वही प्रोसेस करेंगे जो पीछे किया था. हम यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पे अपॉन टू लगाया तो मेरे को इन टू वन अपॉन टू लगाना पड़ेगा.
टू पहले से था, वन अपॉन टू लगाया, होल स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, हम सबको अलग अलग लिमिट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिमिट यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x अपॉन x इनटू, मैं इसमें लिमिट अलग लिख लूँगा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो टू साइन x बाय टू अपॉन x बाय टू होल स्क्वायर और साथ में वन बाय टू, और लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो वन अपॉन cos x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अलग अलग भी लिख सकता हूँ और सबको अलग अलग एवेल्युएट कर सकता हूँ। ये वन हो गया, ये वन इंटू वन बाई टू का स्क्वायर यानी वन बाय फोर, और ये हो जाएगा वन अपॉन, जब भी एक्स ज़ीरो होता है कॉस की लिमिट होती है वन, तो ये आपको मिल जाएगा वन अपॉन टू, एंड दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम अलग अलग लिमिट भी लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम और देखेंगे, ये उसी टाइप का है एक्सेप्ट यहाँ पे एंगल्स हमने चेंज कर दिए हैं, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोबारा मेथड हमारा वही रहेगा, मैं इसको लिख लूँगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, टेन को मैं लिख लूँगा साइन 2x, नीचे लिख लूँगा cos 2x, इसको हम लिख लेंगे साइन 2x, नीचे हम लिख लेंगे x क्यूब। इसके बाद मुझे क्या करना है, साइन 2x कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, मुझे यहाँ पे मिल गया 1 अपॉन cos 2x माइनस 1, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको एक x की ज़रूरत है तो इस x में से एक x यहाँ दे देंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से रब कर देते हैं, हमको फर्दर मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये cos यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x, cos यहाँ पे आ गया, ये हो गया 1 माइनस cos 2x, डिनोमिनेटर में मेरे पास cos 2x बच गया, मोरोवर ये x क्यूब ऊपर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल में भी समझा था, ये मिल गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस x को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना देते जाना है, x क्यूब में से एक x की ज़रूरत तो इसको है, तो हम साइन 2x के नीचे एक x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, आप चाहे तो अलग अलग लिमिट भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। 1 माइनस cos 2x को हम लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर x, अब x क्यूब में से एक x तो यहाँ बच गया, मेरे पास स्क्वायर बचेगा, उस स्क्वायर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाकी बच गया मेरे पास 1 अपॉन cos 2x। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 2x है, मैं एक 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो एक 2 मैं ऊपर भी लगाऊँगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों के स्क्वायर्स को कॉमन ले लिया। अब जब मैं लिमिट लूँगा, साइन x अपॉन x का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे 2 बचा मेरे पास, ये 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1, और जब x की लिमिट 0 होती है cos 1 होता है, तो ये 1 अपॉन 1 बन जाएगा, तो बेसिकली 2 टू ज़ा 4 मुझे आंसर मिल गया, सिंपल था ये। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, कई बार क्या है कि ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा sin x अपॉन x या tan x अपॉन x ही हमें लिमिट में लगाना पड़े, हमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी मिल सकता है, जैसे जहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना पड़ सकता है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हम इसको लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक्सेप्ट, नीचे x क्यूब के बजाय साइन क्यूब x है, हम ऊपर साइन x अपॉन कॉन x cos x और नीचे साइन x, सॉरी सामने साइन x, नीचे हमारे पास साइन क्यूब x, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं लिख लूँगा लिमिट
x टेंड्स टू जीरो, साइन कॉमन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास बच गया वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन, और नीचे मेरे पास बच गया साइन ऑफ एक्स का होल क्यूब. अब यहाँ पे ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. मोरोवर ये कॉस यहाँ पे जब वन से इंटू होगा मुझे मिल जाएगा वन माइनस कॉस एक्स, कॉस इंटू वन इज कॉस, नीचे मेरे पास बच गया कॉस, नीचे का जो साइन स्क्वायर है ये ऊपर यहाँ डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. अभी भी मैं लिमिट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि एक्स की लिमिट जीरो है और साइन एक्स जो है यहाँ पे वन बनेगा. लेकिन अब मैं एक्स तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर नहीं सकता, मेरे पास या तो मैं एक्स इंट्रोड्यूस करूँ फिर डिवाइड करूँ, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा. हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को एक आइडेंटिटी लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमें अच्छे से याद हो, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स एज इट इज रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं. वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब देखो इस वन को मैं वन स्क्वायर लिखूं कोई फर्क पड़ता है, वन स्क्वायर इज अगेन वन. अब मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स, इस वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को हम वन प्लस कॉस एक्स और साथ में वन माइनस कॉस एक्स ऐसे लिख लेते हैं, और इस कॉस एक्स को एज इट इज रहने देते हैं. ये वन माइनस कॉस कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन अपॉन, मेरे पास बचा वन प्लस कॉस एक्स और साथ में बच गया कॉस एक्स. अब हमने पढ़ा है जब एक्स की लिमिट जीरो हो कॉस एक्स क्या होता है वन, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो मैं इस लिमिट को लगा लूंगा. जब लिमिट लगाऊंगा ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स की लिमिट वन हो जाएगी, कॉस एक्स की लिमिट वन हो जाएगी विच इज वन अपॉन वन प्लस वन टू, टू इंटू वन, ये हमारा आंसर है.